नमस्कार दोस्तों, सरकार स्टडी वेव्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए कितनी शानदार बात लिखी यहाँ पे, अभी कहाँ छू इसलिए दुनिया को छुपता हूँ, जब आईना बन जाऊंगा तो पूरी दुनिया देखेगी। जी हाँ दोस्तों, ये कब संभव हो पाएगा? जब आप अच्छी मेहनत करके अपनी क्वालिटी इतनी बना लोगे कि दुनिया आपको ऑटोमेटिक देखेगी। जो दुश्मन रहेंगे वो भी आपको क्या करेंगे, इज्जत देंगे। तो ये कब संभव हो पाएगा? जब आप निरंतर प्रयास करते रहे और आपकी क्वालिटी किसी भी दिशा में हो, भले ही आपकी क्वालिटी अच्छी बनेगी तो ही आपको दुनिया इज्जत देगी या फिर आपके तरफ दुनिया देखेगी। तो आज 8 मार्च है और आज हम मॉर्निंग कैप्सूल के अंतर्गत क्या पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट डे पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, पीआईबी न्यूज़ देखेंगे, इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी देखेंगे, मैप प्रैक्टिस के अंतर्गत एक कंट्री देखेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर करंट अफेयर्स या जो भी पीडीएफ है वो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी जिससे आप आसानी से जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा इंपॉर्टेंट दिवस क्या रहेगा, जो आज का ही है, जैसे कि 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है, तो क्या हुआ था, ये शुरुआत हुई थी 8 मार्च को, तो बाद में मतलब ट्रांसफर किया गया, तो शुरुआत देख लेते हैं, मतलब पृष्ठभूमि। जैसे कि तो जो समान अधिकारों की लड़ाई है उसकी शुरुआत की थी आम महिलाओं ने, जिसका उद्देश्य क्या था, युद्ध के दौरान महिलाओं में होने वाले अत्याचार को रोकना होता था। उसके बाद 1908 में क्या किया गया, 15,000 महिलाओं ने न्यूयॉर्क सिटी में, मतलब अमेरिका के अंतर्गत, वोटिंग अधिकार, वोटिंग मतलब पहले महिलाओं को जो है इलेक्शन में वोट देने का अधिकार नहीं था, वोटिंग अधिकार। और जो काम के घंटे होते हैं, काम के घंटे जैसे कि बात करें 10 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक, तो ये ज्यादा हो जाता, तो इसी को कम करने के लिए क्या किया गया था, मार्च मतलब एक आंदोलन निकाला था। और उसके बाद क्या हुआ, सोशलिस्ट पार्टी की घोषणा के अनुसार अमेरिका की 1909 में यूनाइटेड स्टेट में पहला राष्ट्रीय, राष्ट्रीय बोला जा रहा है, मतलब अभी अंतर्राष्ट्रीय की बात नहीं की जा रही, तो पहला राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया था, 28 फरवरी को। इसके पश्चात क्या हुआ, 1910 में जो क्लेरा जेटकिन थी, मतलब ये सोशल जर्मनी की सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी की महिला ऑफिस की लीडर थी, तो इसने क्या किया, एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का विचार रखा और अपनी मांगों का सुझाव दिया। और इसी के पश्चात क्या हुई, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 17 देशों की, 100 से ज्यादा महिलाओं ने इस पर सुझाव मतलब सहमति जताई। इसी के पश्चात क्या हुआ कि मतलब इसका जो मेन फोकस था महिलाओं को वोट दिलाना या फिर जो भी उनके अधिकार है उनको वापस दिलाने के लिए इसका फोकस था। तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ, 19 मार्च 1911 को पहली बार ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, यहाँ पर पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाएगा। बाद में उसको 1913 में ट्रांसफर कर दिया गया और 8 मार्च को मनाना शुरू कर दिया। तो इसी दिन मतलब 8 मार्च को प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका है इसमें, जैसे कि बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व भर में कुछ नीतियां, कार्यक्रम और मापदंड बनाए हैं जिसके जरिए महिलाओं के समान अधिकार को बढ़ावा और महिलाओं को सुरक्षा दी जाती है। इस बार का जो महिला दिवस है उसकी थीम क्या रहेगी दोस्तों, प्रेस फॉर प्रोग्रेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यह है नागालैंड की बात की जा रही है। तो जैसे कि हम पिछले दिन पढ़े थे कि भाई त्रिपुरा के मुख्यमंत्री नए बने हैं, उसके पिछले दिन पढ़े थे मेघालय के बने हैं, अब जो है नागालैंड के भी नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये किसका स्थान लेंगे, अभी वर्तमान में TR जेलियांग है, इनका स्थान ये लेंगे। तो कौन लेंगे दोस्तों, ये निफायु रियो, मतलब ये अभी अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। और इन्होंने क्या किया है, जो राज्यपाल यहाँ के PV आचार्य, इनने मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया है इनको। और शपथ कब लेंगे, शपथ शीघ्र ही ग्रहण करेंगे, पर जो राज्यपाल है उन्होंने उनको बहुमत साबित करने के लिए 16 मार्च से पहले डेट दी है, मतलब 16 मार्च से पहले ये सदन में अपना बहुमत प्रस्तुत करेंगे तो ही मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करेंगे। अभी जो वर्तमान है उसमें उत्तरंगामी सेकंड लोकसभा के क्षेत्र में ये संसदीय सदस्य है। नागालैंड की यदि बात करें तो कोहिमा यहाँ की राजधानी है, गवर्नर PV आचार्य है। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्ब्स पत्रिका की, तो ये क्या करती है दोस्तों, ये प्रतिवर्ष जो है अमेरिका के अंतर्गत न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर है, उनके द्वारा ये जारी की जाती है, जहाँ गणना की जाती है कि विश्व में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, अमीरों की गणना करने के लिए इसको प्रस्तुत किया जाता है। तो जो 110 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ क्या है, अमेजन है, अमेजन के जो संस्थापक है जेफ बेजोस, तो जेफ बेजोस क्या है, दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में आए हैं, मतलब फर्स्ट नंबर पर कौन है, जेफ बेजोस। उसके बाद सेकंड की यदि बात करें तो जो बिल गेट्स है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक, तो बिल गेट्स जो है सेकंड नंबर पे है 90 अरब डॉलर के साथ। फिर उसके बाद ये जो है बाकी लोग है, और
सबसे जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति, जैसे कि फेसबुक सभी जानते हैं, फेसबुक के जो संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग, ये 5वें स्थान पर है 71 अरब डॉलर के साथ। उसके बाद देखते हैं हमारे भारत की, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी, 19वें स्थान पर है। मतलब ये विश्व की यदि बात करें तो 19वें स्थान पर है, और अगर भारत की बात करें तो भारत में ये फर्स्ट नंबर पर है। इसके अलावा देखते हैं तो सबसे जो यंग व्यक्ति है अमीर की दृष्टि से, मतलब हमारे भारत में, तो जो पेटीएम है, पेटीएम तो सभी चलाते हैं, पेटीएम के जो संस्थापक है विजय शेखर शर्मा, वो क्या है सबसे यंग व्यक्ति है अमीरों की श्रेणी में। मतलब वो भी, उनका भी नाम क्या है लिस्ट में है। फोर्ब्स की जो है स्थापना की गई थी, किसने की थी, एक प्रकार की मैगजीन है इसकी स्थापना, अमेरिकन बिजनेस मैगजीन है ये, स्थापना हुई थी 1917 में और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में यूएसए में। नेक्स्ट, सुखद यात्रा ऐप की बात की जा रही थी, तो ये ऐप किसने शुरू किया दोस्तों, ऐप और एक टोल फ्री नंबर है ये हमारे, इनको सभी पहचानते हैं, नितिन गडकरी जी है। तो ये कौन है, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री है। इनके द्वारा क्या किया गया है, सुखद जो यात्रा ऐप है उसकी शुरुआत की है, और इमरजेंसी नंबर है जे 1 1 0 3 3 ये लॉन्च किया है ना। तो इनके अंतर्गत क्या किया जाएगा, इस ऐप की मदद से राजमार्ग पर वाहन चलाने वाला व्यक्ति सड़क की स्थिति, टोल सुविधा, टोल दर, प्रतीक्षा अवधि आदि का पता लगा सकता है। यही नहीं कि वह सड़क के गड्ढे आदि, दुर्घटना की भी शिकायत आदि दर्ज करा सकता है। मतलब बहुत सारी जो परेशानी है उससे छुटकारा मिल जाएगा। ये ऐप का जो डेवलपमेंट किया है, मतलब डेवलप किसे किसने किया इसको, एनएचएआई ने, मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस ऐप को डेवलप किया है। टोल फ्री नंबर क्या करेगा, कोई भी व्यक्ति इसे डायल कर कर हाईवे पर जो दुर्घटना है उसकी सूचनाएं आपात सेवाओं को दे सकता है आसानी से, मतलब जो भी आपात सेवा है उसको दे सकता है। इसके अलावा देखें तो राजस्थान में स्टेट हाईवे जो है टोल फ्री, राजस्थान की स्टेट हाईवे सड़क पर प्रदेश के जो निजी वाहन है उनको टोल नहीं देना पड़ेगा। मतलब निजी वाहनों को टोल फ्री कर दिया गया है, और ये घोषणा किसने की है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उन्होंने विधानसभा में इसकी घोषणा की है। इसके अलावा देखें तो केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य में कम से कम एक मॉडल जो है मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलेगी प्रत्येक राज्य में। नेक्स्ट बात करते हैं सोलर स्टडी लैंप्स के बारे में, तो ये दोस्तों कब स्टार्ट की गई थी, दिसंबर 2016 में। तो देखते हैं जैसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2016 में असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में 70 लाख सोलर स्टडी लैंप्स के वितरण की सोलर स्टडी लैंप्स योजना को मंजूरी दी गई थी, जो अभी भी क्या है कार्यान्वयन, मतलब विभिन्न चरणों में ये पूरी की जा रही है। तो सोलर स्टडी लैंप योजना के तहत क्या किया जाएगा, राज्य के जो ग्रामीण है पिछड़े ब्लॉकों में रहने वाले छात्रों को 100 रुपये में सोलर स्टडी लैंप उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज देखते हैं तो बेंगलुरु के लिए माइक्रोसॉफ्ट का पहला नवीकरणीय ऊर्जा, मतलब ये समझौता हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट की यदि बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ है सत्य नडेला है, और इस ये जो है अमेरिका की कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं तो यूरोपीय विकास बैंक ने भारत की सदस्यता की मंजूरी दे दी है, तो और ये कौन से नंबर का बनेगा, ये 69 नंबर का सदस्य बनने जा रहा है, मतलब शेयर धारकों में। सुमा चक्रवर्ती जो है इस बैंक की क्या है अध्यक्ष है, और बैंक का जो हेडक्वार्टर है लंदन यूके में, स्थापना की यदि बात करें तो 1991 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट, इम्प्रिंट इंडिया के बारे में बात करते हैं, तो क्या है दोस्तों, इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, जैसे कि देखते हैं देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध एवं अनुसंधान कार्यों का रोड मैप तैयार करने, मतलब एक प्रकार से जो भी आईआईटी है और जो आईआईएसटी है, एसी सॉरी आईआईटी और आईआईएससी, इनके लिए क्या करेगी, ये एक स्ट्रक्चर बनाने का काम करेगी, मतलब किस प्रकार से वर्क करे ये सारी चीजों का ध्यान ये रखेगी। तो इसके अंतर्गत देखते हैं रोड मैप तैयार, और इसे जनता से जोड़ने के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी, उन्होंने 5 नवंबर 2015 को इम्प्रिंट इंडिया, मतलब इम्प्रिंट इंडिया योजना की शुभारंभ किया था। इम्प्रिंट जो है, इम्प्रिंट इंडिया भारत के लिए प्रासंगिक 10 तकनीकी क्षेत्र की प्रमुख इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी चुनौतियों से निपटने के लिए अनुसंधान और उनका स्ट्रक्चर तैयार करने हेतु आईआईटी और आईआईएससी की संयुक्त रूप से एक पहल है। इसके उद्देश्य की यदि बात करें तो समाज में नवाचार के लिए आवश्यक क्षेत्रों की पहचान करना, पहचाने गए क्षेत्रों में प्रत्यक्ष वैज्ञानिक अनुसंधान करना, इन क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए उचित कोष की आपूर्ति सुनिश्चित करना, इन अनुसंधानों के परिणामों का शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों पर प्रभाव का आकलन भी करेगा, मतलब सभी प्रकार से एक अनुसंधान करेगी और स्ट्रक्चर बनाने का काम करेगी। नेक्स्ट, आज के इम्पोर्टेंट पर्सन के बारे में देखते हैं, तो आज के हमारे इम्पोर्टेंट पर्सन है स्वामी विवेकानंद जी, जिनका नाम क्या था बचपन में, नरेंद्र नाथ दत्त, और बाद में इनका नाम, मतलब इनकी प्रसिद्धि के कारण इनको स्वामी विवेकानंद नाम से जाना जाने लगा।
जन्म की यदि बात करें तो 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में, और मृत्यु इनकी कब हुई है? 4 जुलाई 1902 में बेलूर में। ये क्या थे? एक युवा सन्यासी के रूप में भारतीय संस्कृति की सुगंध विदेशों में बिखेरने वाले साहित्य, दर्शन और इतिहास के प्रखंड विद्वान थे। भारत में जो स्वामी विवेकानंद जी है, उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक 12 जनवरी को। और जो ये विवेकानंद जी है, भारत के पुनर्निर्माण के प्रति उनका लगाव था, उसी के कारण क्या हुआ, ये 1893 में शिकागो में, मतलब ये वहाँ गए थे भाषण देने, तो संसद में जाने के लिए प्रेरित हुए और बिना आमंत्रण के गए थे। तो क्या किया गया था, उनको किसी भी प्रकार से वहाँ प्रयास किया जा रहा था कि इनका भाषण का नंबर ना आए, क्योंकि क्या होता है उस समय भारत हमारा गुलाम था, और सोचते थे लोग भी जो गुलाम भारत है वो क्या संदेश देगा लोगों को। तो इन्होंने किसी तरह, मतलब उद्योग जो है, एक प्रोफेसर, अमेरिका प्रोफेसर के उद्योग से किसी प्रकार क्या हुआ, इनको समय मिला और 11 सितंबर 1893 को ये उन्होंने भाषण दिया। और भाषण देने के पश्चात क्या हुआ, ये विश्व भर में प्रसिद्ध हो गए, मतलब सभी लोग, इनकी छवि जो है विश्व भर में फैल गई, क्योंकि इनका भाषण बहुत मतलब आकर्षित करने वाला था लोगों को। तो सभी जो अमेरिका के या फिर जो भी विश्व के लोग हैं, सभी लोग इनको जानने लगे। अमेरिका ने उस दिन स्वीकार कर लिया कि भारत ही जगतगुरु था और भविष्य में भी जगतगुरु रहेगा। विवेकानंद जी ने 1 मई 1897 में कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, और 9 दिसंबर 1898 को कलकत्ता के निकट गंगा नदी के किनारे बेल्लूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। नेक्स्ट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंतर्गत देखते हैं एडोब पीडीएफ। तो बात करते हैं दोस्तों पीडीएफ की, तो पीडीएफ का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप जानते ही होंगे पीडीएफ बोले तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तो फॉर्मेट या फाइल बोला जा सकता है। अब क्या होता है, इंटरनेट से ये आसानी से क्या होती है, पोर्टेबल, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाई जा सकती है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, पोर्टेबल। और ये डेवलप किसने किया है, ये डेवलप किया है एडोब कंपनी ने, मतलब एडोब कॉरपोरेशन के द्वारा इस फॉर्मेट को डेवलप किया है। अब इस फॉर्मेट को डेवलप तो कर दिया है, पर इसको रीड करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जिसे हम बोलते हैं एडोब एक्रोबेट रीडर। तो आपने देखे होंगे मोबाइल पे भी, आप जो पीडीएफ है या फिर जो ई बुक है, जो भी हम मोबाइल में या लैपटॉप में या कंप्यूटर में पढ़ते हैं, वो सभी होती है पीडीएफ फॉर्मेट में। तो पीडीएफ फॉर्मेट को रीड करने का जो सॉफ्टवेयर होता है, उसे बोलते हैं एडोब कंपनी के द्वारा बनाया गया एक्रोबेट रीडर। तो ये क्या, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और ये वेब सर्विस या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से संबंधित सारी सुविधाएं, जैसे कि उसको व्यू कर सकता है, क्रिएट, मैनुपलेट, प्रिंट, प्रिंट को मैनेज करने, सारी चीज़ों को ये कंट्रोल करता है, मतलब जो पीडीएफ फाइल है उसको, ये सारी चीज़ें उसमें की जा सकती है। और जो डेवलपर, मतलब ये एडोब सिस्टम है, इसने इसको डेवलप किया था, और फर्स्ट टाइम इसको प्रकाशित कब किया था, मतलब लॉन्च कब किया था, 15 जून 1993 को, मतलब आज से 24 साल पहले इसको फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था। नेक्स्ट मैप प्रैक्टिस के अंतर्गत आज हमको क्या देखना है, आज देखना दोस्तों इराक। तो इराक क्यों मतलब अभी चर्चा में है, क्योंकि इराक जो है फर्स्ट सबसे ज्यादा आपूर्तिकर्ता देश बन गया है, किसका, भारत का, तेल का, मतलब सबसे ज्यादा जो है भारत को तेल प्रदान करने वाला जो देश है वो कौन सा है, इराक है। तो इराक की यदि राजधानी की बात करें तो बगदाद यहाँ की राजधानी है। मुद्रा क्या है, इराकी दिनार है। राष्ट्रपति फुआद मासूम एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, जैसे कि ये इंडिया हमारा, और इंडिया से हम यहाँ गए, ये अरब सागर से यहाँ से गए दोस्तों, ये इराक है। अब इराक के पड़ोसी देशों की यदि बात करें, तो इसके लिए हमको मैप बड़ा करके देख लेते हैं। तो पड़ोसी देश की यदि बात करें तो देखते हैं हम, जैसे कि नीचे कुवैत है, हमने पिछले लेक्चर में कुवैत भी पढ़े हैं, उसके बाद देखते हैं ईरान है, टर्की है, सीरिया है, जॉर्डन है, सऊदी अरेबिया है। तो ये सभी क्या है, इसके पड़ोसी देश है, मतलब ये इन सभी देशों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ये देखिए समुद्र से भी लगा हुआ है। इसके अलावा देखते हैं आधिकारिक भाषा, तो अरबी भाषा यहाँ की आधिकारिक भाषा है, और जो है दजला नदी, दजला नदी और फरात नदी आप हिस्ट्री में पढ़े भी होंगे, तो ये दोनों क्या है, इसकी दो प्रमुख नदियां हैं, और यहीं पे मेसोपोटामिया की सभ्यता का उदय हुआ था, इसके कारण ये मुख्य है। मतलब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किन दो नदियों के किनारे इसका उदय हुआ था, तो क्या आंसर रहेगा, दजला और फरात नदी। अब ये हम बात कर रहे थे आपूर्तिकर्ता बन गया है, तो चालू वित्त वर्ष में व्यापक मार्जिन के साथ, ये पहले क्या था, सऊदी अरब था, मतलब सऊदी अरब आप देख सकते हैं ये है। अब सऊदी अरब को इतने पीछे करके क्या कर दिया है, इराक जो है सबसे ज्यादा आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। तो इराक ने 38.9 मिलियन टन तेल की आपूर्ति की, जो देश के तेल की जरूरतों से 20% अधिक थी। भारत अपने तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर 80% निर्भर है। तो जो पूरी करने का मतलब जो उद्देश्य है, इनने पूरा कर दिया है।
जैसे कि देख सकते हैं क्रूड ऑयल से संबंधित जो। चलिए दोस्तों पिछले जो क्वेश्चन थे उनके आंसर देख लेते हैं। तो जैसे कि हाल ही में चर्चा में रहा जो तेजस है उसमें इसमें से क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, हल्का सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है ये। उसके बाद देखते हैं हाल ही में संपन्न किया गया पश्चिमी लहर अभ्यास XPL 2018 क्या है, तो ये राइट आंसर इसका क्या होगा, सी नंबर का। मतलब ये क्या है, यह भारतीय नौसेना की पश्चिमी सेना कमांड द्वारा अरब सागर में संपन्न किया गया एक विशाल सामरिक अभ्यास है जिसमें 40 से भी अधिक नौसैनिक परिसंपत्तियों के साथ भारतीय तटरक्षक बल ने भाग लिया। इसके बाद देखते हैं नीचे दिए गए जो बंदरगाह उत्तर से दक्षिण के क्रम में उनको लगाना है। तो जैसे कि देखते हैं दोस्तों पारादीप कहाँ है, ये उड़ीसा में है, उसके बाद कांडला क्या है, गुजरात में है। तो इसके लिए मैप देख लेते हैं। जैसे कि ये मैप दिख रहा है आपको पोर्ट का, तो यहाँ क्या दिया, जैसे देखते हैं पारादीप, तो पारादीप ये है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं ये कांडला, तो आप देख सकते हैं पारादीप थोड़ा नीचे है और कांडला ऊपर है, तो फर्स्ट नंबर पर कौन आ जाएगा हमारा, दूसरे नंबर का। फिर देखते हैं उसके बाद पारादीप है तो फिर आ जाएगा वन नंबर का। फिर कामराजार है, तो कामराजार आप देख सकते हैं नीचे आए हम, तो ये दिख रहा है आपको कामराजार। उन पर कोचिन भी देख लेते, तूतीकोरिन भी, तो कोचिन नीचे है, तूतीकोरिन भी नीचे है, तो थर्ड नंबर पर कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा कौन सा, थर्ड नंबर का। उसके बाद देखते हैं कोचीन आएगा, कोचीन आ जाएगा, फिर आ जाएगा ये तूतीकोरिन। तो तूतीकोरिन कहाँ है दोस्तों, ये तमिलनाडु में, कोचीन कहाँ है, केरल में। तो ये हमारा राइट आंसर क्या होगा, 2 1 3 4 5, तो यहाँ है 2 1 3 4 5, मतलब राइट आंसर क्या होगा हमारा, ए नंबर का। नेक्स्ट आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कंप्यूटर जगत में डी डॉस अटैक का अर्थ क्या है, तो इसमें से आपको बताना है कि डी डॉस अटैक क्या है। उसके बाद देखते हैं हाल ही में चर्चा में रहा जो रुस्तम 2 है वो निम्नलिखित में से क्या है, तो यहाँ से यह चारों में से आपको आंसर देना है। उसके बाद निम्नलिखित में से किन किन शहरों को भारत के विश्व विरासत शहरों के रूप में चिन्हित किया गया, तो इनमें से भी आपको एक कथन दिए है, इनमें से आपको निष्कर्ष निकाल कर बताना है कि राइट आंसर क्या है। दोस्तों इन क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या फिर फेसबुक में जो हमने वीडियो शेयर किए हैं उस वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में इनका आंसर दे सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जहां भी आपको उचित लगता है फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो सके। और यदि आपने अभी तक वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।